हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में रैंकिंग फार्मूला के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूँ मैं अपने वर्कबुक पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक डेटा बना के रखा हूँ और रैंक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, उसका स्कोर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको रैंक देना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके। तो कैसे देते हैं, तो नॉर्मल हम लोग करेंगे क्या कि इस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे बगल में पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद अभी हम लोग करेंगे इसको फिल्टर। तो फिल्टर कैसे करेंगे, तो जितना भी स्कोर है सबको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे दिया हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है ए टू जेड, जेड टू ए। तो हमको अभी क्लिक करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो जेड टू ए पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा सॉर्ट वार्निंग का। यहाँ पे सेलेक्ट रहने देना है फर्स्ट वाला, एक्सपेंड द सिलेक्शन और सॉर्ट कर देंगे। जैसे ही सॉर्ट करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। सबसे बड़ा वाला जो स्कोर था वो ऊपर आ चुका है, उसके बाद उससे छोटा मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। अब यदि हमको रैंक देना है तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रैंक दे देंगे। यदि हमको सबका रैंकिंग निकालना है, पहले का वन दे दिए और सबका निकालना है, तो कंट्रोल के साथ नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे सबका निकल जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग यहाँ पे सबका निकाले, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा में यहाँ पे टेबल नहीं बनाएंगे। अभी क्या कि इसको कॉपी किए, फिर हम फिल्टर किए, उसके बाद रैंकिंग निकला। तो अभी हम इसको कर देते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट। सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करिए, आपका क्या हो जाएगा, पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अभी जो हम निकालेंगे यहाँ पे फार्मूला से निकालेंगे। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू रैंक। रैंक फार्मूला आप जैसे ही लगाइएगा तो आपको यहाँ पे तीन चीज़ पूछता है। पहला पूछता है नंबर, दूसरा पूछता है रेफरेंस और तीसरा पूछता है ऑर्डर। तो नंबर में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अपना नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा देना है। नंबर सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही कॉमा दीजिएगा उसके बाद पूछता है रेफरेंस। तो रेफरेंस में हमको क्या करना है, जो भी मेरा नंबर है मतलब पूरे को सिलेक्ट कर लेना है, पूरे में हमको ढूंढना है। तो उसके बाद फिर हम कॉमा देंगे। यहाँ पे दो चीज़ पूछता है, डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग। तो हमको यहाँ पे डिसेंडिंग देना है या असेंडिंग। यदि आपको छोटा से बड़ा ढूंढना है तो आप असेंडिंग दीजिए, यदि आपको बड़ा से छोटा ढूंढना है तो आप डिसेंडिंग दीजिए। तो अभी हम लोग बड़ा से छोटा ढूंढते हैं, तो यहाँ पे हम कॉमा देके दे देते हैं जीरो। जैसे ही यहाँ पे जीरो देंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट देंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या हो चुका है, फर्स्ट रैंक आ चुका है ऑटोमेटिक। और फर्स्ट रैंक आने के बाद इसको हम लोग इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करते हैं। जैसे इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग किए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या हो चुका है कि यहाँ पे जो 23 आ रहा है वो 10 नंबर में आ रहा है। क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में आपको करना क्या था कि इसको आपको लॉक कर लेना था रेफरेंस को। तो सिलेक्ट करके F4 बटन से लॉक कर लेते हैं और अभी हम इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करेंगे। तो अभी क्या होगा कि सही होगा, नीचे तक ड्रैग कर दिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 95 जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, 23 11 नंबर पे है, उसके बाद 93 3 नंबर पे है, 35 9 नंबर पे है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि यहाँ पे रैंकिंग आ गया है, बट ये आपका अरेंज नहीं है। तो अरेंज भी करेंगे हम लोग, बट अभी हम लोग इसको डिसेंडिंग में करते हैं। तो डिसेंडिंग में कैसे करेंगे, तो फार्मूला पे आ जाएंगे और जहाँ पे हम लोग जीरो लिखे थे वो जीरो को हटा के यहाँ पे वन कर देंगे और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा है वो क्या हो गया, 11 हो गया। इस फार्मूला को नीचे तक ड्रैग करिए और जो सबसे छोटा होगा उसमें वन आ गया होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है जो 23 है वो सबसे छोटा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो गया, वन आ गया। यदि आपको इसमें से ढूंढना है कि सबसे पहला और बड़ा कौन सा डिजिट है, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू लार्ज। लार्ज फॉर्मूला लगाने के बाद आपको पूछता है एरे किस में से ढूंढना है। तो इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा देंगे, उसके बाद क्या ढूंढना है, तो 11 तो ढूंढना है, 11 सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 11 देंगे तो 11 दिखेगा हमको, तो पहला ढूंढना है। तो यहाँ पे हम 11 नहीं 1 देंगे, 1 देने के बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे और इंटर देंगे। तो जैसे ही 1 देके इंटर किए थे तो यहाँ सबसे पहला बड़ा नंबर क्या था मेरा, 95। तो यहाँ पे 95 बता दिया। यदि हमको दूसरा देखना है तो जहाँ पे हम लोग 1 लिखे हैं वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, 2 करके इंटर करते तो यहाँ पे दूसरा दिख रहा है। यदि आपको चाहिए कि सभी का दिखे अरेंज होके, तो जहाँ पे हम लोग 2 लिखे हैं वहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, रो। रो फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। रो फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे हम रो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमको आंसर देखना है, तो आंसर कैसे देखते हैं, फॉर्मूला को सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करिए। जैसे ही आप F9 बटन प्रेस करिएगा आपको यहाँ पे आंसर दिखेगा। तो आंसर दिख रहा है 2, तो हमको 2 तो चाहिए नहीं, यहाँ पे 1 चाहिए। तो आप रो फार्मूला के लास्ट में आ जाइए और -1 कर दीजिए और इंटर करिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, उसके बाद उसका छोटा दिखना चाहिए। तो इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो गया कि यहाँ पे मेरा निकल चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे में क्या हो रहा है, हैशटैग आ रहा है।
तो ये क्यों आ रहा है पता है आपको? क्योंकि यहाँ पे मेरा सबसे छोटा 40 है, 40 से छोटा है क्या? तो है। क्यों आ रहा है? तो इस फॉर्मूला में हम लोग किए क्या है कि यहाँ पे जो मेरा स्कोर था वो यहाँ पे आके देखिए नीचे आ जा रहा है, तो नीचे आपको तो आना नहीं था, तो यहीं पे हमको क्या करना था, इसको लॉक कर देना था। एरे को आप सिलेक्ट कर लीजिए पूरे एरे को, और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करिए, आपका लॉक हो जाएगा। अब जब हम इंटर करते हैं और इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करिए, देखिए आपका सबका निकल जाएगा। तो ये जो अभी अरेंज हुआ है ये हुआ आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा। तो अभी इसको हम लोग उल्टा करेंगे, छोटा से बड़ा कैसे करेंगे? तो छोटा से बड़ा करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जहाँ पे हम लोग लार्ज फॉर्मूला लगाए हैं वहाँ पे हम लार्ज को हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे स्मॉल फॉर्मूला। स्मॉल फॉर्मूला लगाने के बाद आपको क्या करना है, इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करिएगा स्मॉल लिख के, और ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है कि जो सबसे छोटा होगा वो ऊपर आ गया होगा। और अब हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो जो सबसे बड़ा था वो सबसे नीचे आ गया। तो स्मॉल फॉर्मूला से क्या होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में आपका आ जाएगा, और आपको यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप लार्ज फॉर्मूला लगाइए। लार्ज फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग फॉर्मूला से रैंकिंग को डिनोट किए हैं, और कैसे यहाँ पे निकला लार्ज फॉर्मूला कैसे यूज किए। जैसे यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि रैंक में हम लोग क्या किए, यहाँ पे 1 सेलेक्ट किए थे तो आपका क्या हो गया था, असेंडिंग हो गया था। और यदि आपको डिसेंडिंग निकालना था तो आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट करते हैं, 0। तो 0 सेलेक्ट करके इंटर करते हैं, तो जो सबसे बड़ा होगा यहाँ पे क्या दिखेगा, फर्स्ट दिखेगा। और जो सबसे छोटा होगा उसमें क्या दिखेगा, जो लास्ट नंबर मेरा आएगा। जैसे 11th आ रहा है लास्ट, तो यहाँ पे 11th हमको देखना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, नमन का है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग रैंक निकालेंगे। यदि आपको इस वर्कबुक का प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करना है, कैसे हम लोग इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग रैंक फार्मूला को यूज करेंगे, कैसे लार्ज फार्मूला को यूज करेंगे, और कैसे स्मॉल फार्मूला को यूज करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।